Hey, what's good everybody? Welcome to this another podcast of Design Daily. So, इस podcast में हम बात करने वाले हैं how I am earning lakh rupees as an architecture student. So, मैंने कैसे second year से मैंने अपनी income start कर दी है, मैं कैसे earn कर रहा हूँ, मैं कैसे dependent नहीं हूँ अपने घर वालों पे. So, ये podcast पूरा based होने वाला है एक ऐसे Indian ecosystem पे, एक ऐसे strong topic पे जहाँ पे as an architecture student आपको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी. आपको भी समझ में आएगा कि नहीं, हाँ, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट सिर्फ आपको 5 साल सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं घुसे रहना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ और सोचना चाहिए. आपको आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आपके पैशन को आप कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको कैसे मोनिटाइज कर सकते हो, मतलब आप अपने पैशन से कैसे मनी अर्न कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो, और यही सारी चीज़ हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करने वाले. आई होप ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में. सो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखें, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन आई होप यू विल लाइक दिस कंटेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट मी और किस टाइप का आपको कॉन्टेंट चाहिए. सो लिसन दिस पॉडकास्ट. सो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट ये जो जर्नी है ये मेरी बहुत पहले से शुरू होती है जब मैं था 12th स्टैंडर्ड में. सो 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया था. अब ये स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप मतलब मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और आपने उसको उठा के उसका बिजनेस बना दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और उसको आप स्केल कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पर स्केल कर रहे हो. एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो एकदम सिंपल पे बात करते हैं, ओयो, उबेर, ओला, फूड पांडा, काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स. ये स्टार्टअप्स फिर बनती है बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप, और यही सारी कुछ चीज़ें छोटे लेवल से चालू होती है. तो यही सारी चीज़ें मैंने, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से पैसे कमाने में, बिजनेस में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम लोग जाए. सो 12th स्टैंडर्ड में जो जर्नी थी मैंने अपनी स्टार्ट करी और उसी को लेके मैं आगे बढ़ते गया. मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया, स्टार्टअप के बारे में पढ़ा, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में केस स्टडी की, मैंने बहुत सी चीज़ें समझी कि एक्चुअल बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है. अब ये अपने अपने अलग फील्ड है. मैंने बहुत जो चीज़ें मैंने ई कॉमर्स की तरफ देखी. ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मेरे को इन टाइप के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइक मेंटली मेरी ब्रेन के नर्व्स में स्वेलिंग है, तो मैं थोड़ा मतलब काइंड ऑफ बेड रेस्ट पे था कुछ महीनों तक. तो अब उस पीरियड में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, कैसे स्टार्टअप रन होता है, क्या स्टार्टअप होता है, कैसे इसको ग्रो करते, सारी चीज़ें. और फिर मैंने अपना को फाउंडर ढूंढा, उसके बाद आइडिया शेयर किया और मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था billion.com. और ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही थी मेरे एरिया में, मतलब इन सेक्टर जहाँ पे मैं रहता था, और वो था मेरा रीसेलिंग बिजनेस. अब उसके बाद एक टाइम के बाद जब चीज़ें ग्रो होती है उसके बाद आपको समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फंड की वजह से कुछ कुछ चीज़ें कह सकते कि डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती है. तो वही हुआ मेरे साथ, मेरे को बहुत भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मुझे लगा कि हाँ इतना सफिशिएंट है और उस बेसिस पे मैंने ग्रो किया. बट एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि ये जो आइडिया है ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे, तो इतने बड़े जाइंट में मैं तो दब जाऊँगा ना यार. ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट उस समय मैंने स्टार्टअप को बंद कर दिया. उसके बाद मैंने लाया giftholic.com. बेसिकली ये पर्सनलाइज गिफ्टिंग कंपनी थी मेरी, जिसमें हम लोग पर्सनलाइज गिफ्ट बनाते थे, केक डिलीवर करते थे रात को पहले, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था वो. और ये भी मेरा फेल हो गया. अब इतने फेलियर के बाद, मतलब मैंने 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए एट द एज ऑफ 16, और जब फेल होते हो आप तब आप बहुत गिर जाते हो, बट मेरा ऐसा एटीट्यूड कभी रहा ही नहीं. लोग कहते ना कि यार स्टार्टअप फेल हो जाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा, तो बेसिकली लोग फिर हिम्मत नहीं होती है, क्या करूँगा. तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरा एटीट्यूड पहले से ऐसा रहा है कि ब्रो नहीं करेंगे तो फिर स्टार्टअप में ही कुछ करना है, तो काइंड ऑफ वाला मेरा एटीट्यूड था. सो मेरी एंट्री हुई एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट इस करियर में, मैं जिस करियर में हूँ. सो अब सेकेंड स्टार्टअप फेल हो गया था. अब मैंने सोचा कि क्या करते हैं, मैंने बोला कि चलो ब्रेक लेते हैं, मतलब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसे ब्रेक लेते हैं, चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में वापस आते हैं. अब मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में गया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब स्टार्टिंग में बहुत मैं लड़ा, काफ़ी चीज़ों से, मेंटल ट्रॉमा से लड़ा. और ये चीज़ अगर आपको मतलब जाननी है कि बेसिकली क्या एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट ईयर में किया, तो उसके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट. तो उसमें मैंने छोटा सा एट द लास्ट मैंने अपने बारे में बताया भी है कि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैंने कैसे कैसे ग्रो किया और फिर मैंने स्टार्टअप कैसे लाया. अब जब मैं फर्स्ट ईयर में
एट द एंड तक मैं जब आया, अब मैंने क्या किया बेसिकली, अब फर्स्ट सेमेस्टर मेरी ख़त्म हुई, आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मैं एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस हुआ जो अपने लाइफ में एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट बहुत कुछ कर रहा है। देखो अगर आप फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में हो तो आपको तो पता होगा एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, बहुत काम होता है ना, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है, और इस बीच में आप कुछ अलग प्रोफेशन पे ध्यान दे रहे हो, एक अलग आपका पैशन है हट के आर्किटेक्चर से, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बैंड बजा के रख देता है। तो सेम मेरा भी वैसा ही काइंड ऑफ एटीट्यूड था कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा बिजनेस माइंडेड था कि यार करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। सो मेरे दिमाग में एक स्टार्टअप आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना बेसिकली हम लोग कोर्सेज बना के बेचे। अब क्या कोर्सेज थे, कोर्सेज थे कि बेसिकली एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैंने ये फील किया था कि जब मैं नाटा और जेई मीन्स की कोचिंग कर रहा था तब इंटरनेट पे ग्लोबली मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेट पे यूट्यूब पे ये जो कंटेंट था एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब मतलब जो कंटेंट था वो भी बहुत से लोग नहीं बना रहे थे, और जो लोग बना भी रहे थे उसमें बेसिकली मुझे डाउट होता था कि क्या ये सही में एज एन आर्किटेक्चर फील्ड वाले कुछ कुछ तो होते भी नहीं है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाते थे, और भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गलत कंटेंट देते थे, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मतलब अपडेटेड नहीं थे, इवन तो कि मेरी खुद की सिटी में इसकी कोचिंग क्लासेस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट में प्रॉब्लम है, सॉल्व करते, मोनेटाइज करते, इसका बिजनेस करते। बट ये जो प्रोसेस थी, अभी ये एडुकेशनल फील्ड वाला स्टार्टअप था, तो मुझे सारी टीम को तैयार करना था, मुझे टीम फाउंड करना था, मुझे सॉफ्टवेयर तैयार करना था, मुझे प्रिपेयर होना था, क्योंकि किसी को पढ़ाना एज एन किसी को कोर्स सेल करना किसी की जिम्मेदारी लेना, मतलब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, मतलब कोई आसान बात नहीं है। तो मैं काफ़ी बड़े जाइंट स्टार्टअप में घुस चुका था, मतलब ई कॉमर्स अलग हो गया, अब मैं ई कॉमर्स मतलब पहले मैं ई कॉमर्स में गया था, मैंने जैसे बताया था कि 12th स्टैंडर्ड में मेरा जो पहला स्टार्टअप था बिलियन डॉट्स, ये था ई कॉमर्स, गिफ्टोलिक ये भी ई कॉमर्स था, बट ये अब ई कॉमर्स नहीं है, ये सीधा एडुकेशनल स्टार्टअप है। मैं सीधा इस पे जंप हो गया एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया मतलब सोचा। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या थी, इस प्रोसेस में मैंने बहुत से लोगों को जोड़ा, बहुत से लोगों को मतलब मैंने अपने कलीग्स को पूछा, मतलब मेरे जो फ्लैटमेट्स थे, मेरे जो दोस्त थे, मैंने उनको अप्रोच किया, बट उन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। देखो आपको भी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। देखो पैसा सबको कमाना है बट मेहनत किसी को करनी नहीं है, तो वो चीज़ वही थी। इवन तो कि एज एन एंटरप्रेन्योरल कल्चर ही आर्किटेक्चर में नहीं है, एज एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ही एक कह सकते हो आर्किटेक्चर स्टूडेंट में नहीं होती है, क्योंकि यार मोस्टली तो मतलब आर्टिस्ट होते हैं। अब एज एन आर्टिस्ट पहले लोग 12th तक क्या कर सकते हैं, आज के लोग थोड़े अपडेट हो गए तो क्या करते हैं, कमीशन वर्क पे बेसिस पे स्केचेस बनाते हैं, तो उससे आप उसको मोनेटाइज करते हो, अपने स्केचेस को अपने कोई भी वर्क हो गया, आप डिजिटल वर्क डिजिटल आर्ट करते हो तो आप उसको मोनेटाइज करते हो, तो ये सारी चीज़ हो गई। बट एज एन एंटरप्रेन्योर स्पिरिट नहीं होती है, एक एंटरप्रेन्योर बहुत अलग जोन होता है। तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जहाँ पे मैंने अराउंड, सबसे पहले मैं एज एन वीर कोसरे फाउंडर एंड सीईओ, मेरा को फाउंडर वेंकटेश जो मतलब हम दोनों ने मिलकर स्टार्टअप स्टार्ट किया, पहले तो 6 महीने हमने सिर्फ सोचा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, हमने चीज़ें सीखे, हमने अपनी टीम को रेडी किया, उसका टीम रेडी होने के बाद हम लोग ने कोर्सेज स्टार्ट किए, हम लोग यूट्यूब पर आए। अब मैं यूट्यूब पर जो आया हूँ, मेरा बेसिक पर्पस यूट्यूब पर था कि मुझे यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है आर्किटेक्चर फील्ड में, क्योंकि बहुत लैक ऑफ नॉलेज है। तो यार मैंने सोचा कि चलो, मतलब कैमरा फियर तो पहले से नहीं था क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर था, मतलब अब जब मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया तो आप अपनी सिटी में थोड़े काइंड ऑफ फेमस हो जाते हो, और उस बेसिस पे आपको कुछ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे लायंस क्लब मुझे अप्रोच कर, लायंस क्लब ने मुझे अप्रोच किया था एज एन मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे कॉलेज जो मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उन कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया था एज एन मोटिवेशनल स्पीकर। तो अब धीरे धीरे कैसे कि मेरी जर्नी शुरुआत हो चुकी थी, मेरी जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी, और एज एन मोटिवेशनल स्पीकर मैं जगह पर जाने लगा, तो मुझे कैमरे से तो कोई फियर था नहीं, तो मुझे था कि ओके कॉन्टेंट तो बना लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। कंपनी फाउंड एक अलग चीज़ हो गई मेरे लिए, और ये यूट्यूब क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन टोटली डिफरेंट है। तो अब मैंने एज एन यूट्यूब पे धीरे 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 वीडियोस डालना चालू किया, और उसके बेसिस पे हम लोग ने अपने कोर्सेज सेल करना स्टार्ट किए, और बस इसी के थ्रू मैं अर्न करता हूँ, ये मेरा एक बेसिस है, मैं सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं हूँ। अब एज एन दूसरी चीज़, अब क्या हुआ कि मैंने 6 महीने कॉलेज की, मतलब अराउंड 8 महीने कॉलेज की, उसके बाद हो गया लॉकडाउन। सो अब इस सीरियस लॉकडाउन में मैं बैकएंड में अपने स्टार्टअप पे तो काम कर रहा हूँ टोटली, बहुत मेहनत से सारा फोकस है मेरा इस पर कि हाँ मैं कैसे ग्रो करने वाला हूँ, मेरे 5 साल के टर्म्स, मेरे 5 साल के गोल्स क्या होने वाले, मेरे 5 साल में मैं कैसे ग्रो करने वाला हूँ, मार्केट में कैसे इसको हाई लेवल पर लेके जाना है, सारी सारी चीज़ें मैं बहुत फोकस था।
बट साथ ही साथ अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पापा आर्किटेक्ट है। और हाँ, मतलब स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट मिला पापा का, मुझे मेरे पापा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे लॉकडाउन लगा 15-20 दिन का मुझे बताया गया, तो उस समय तो मैं बस मस्ती मजाक किया। उसके बाद जब सीरियस लॉकडाउन हुआ और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बॉस ये जो लॉकडाउन वाली जो चीज़ है ना बहुत लंबी जाने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी, तो फिर उसमें मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी सीखना। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं आर्किटेक्चर में जो कहते हैं कि सर हम लोग इंटर्नशिप सिर्फ 4th ईयर में कर सकते हैं क्या? तो मेरा पहला उनके लिए जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप इंटर्नशिप 1st ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। मेरे अंदर वो था जुनून कि नहीं बॉस करना तो है क्योंकि यही फील्ड में ग्रो होना है। तो मैंने, और मुझे काम बहुत ज़्यादा पसंद है, कंस्ट्रक्शन वाला, ये सारी चीज़ें प्लानिंग एंड ऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सीखा काम, मैं काम सीखते गया, काम सीखते गया, और आज के टाइम पे मैं अपने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ। मतलब इंटर्नशिप जब मैं 4th ईयर में करूँगा, मतलब अभी 6-7 महीने बाद जब मैं इंटर्नशिप करूँगा, तो उसमें मुझे, मैंने जो अपनी अलग से इंटर्नशिप की थी वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आ गया। मतलब मैंने ऑलरेडी एक इंटर्नशिप कर चुके हैं, उस पर उस बेसिस पे मैं अपने लाइफ प्रोजेक्ट आज के टाइम पे कर रहा हूँ, और उसी लाइफ प्रोजेक्ट से। और मेरे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही साइट कर रहा हूँ, मैं एक दो मल्टीपल साइट्स कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कम से कम अराउंड 3 साइट्स की है, और एज एन इंटर्न मैंने 4 साइट पर काम किया। तो इस बेसिस पे भी मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, और एज एन इन्वेस्टर इन कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो अलग चीज़ हो गई। तो मैं उसमें, तो अराउंड इन सब ये सब चीज़ें करके मैं लाख रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। मतलब मैं हर महीने के नहीं करता, बट मैं कर रहा हूँ इतना कि मैं अपने बेसिक जो कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में खर्चे, एक्सपेंसेस और मेरे फाइनेंसेस को मैं संभाल पा रहा हूँ। सो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, आपको अब हमें एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करना है, एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जहाँ पे सिर्फ एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट एकेडमिक्स पे फोकस ना करे। मेरे को बहुत से लोगों के डाउट आते हैं कि सर आर्किटेक्चर में अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों इतने पैसे कम मिलते हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, मतलब एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी और मैं उस वीडियो में इस चीज़ का रीज़न बताऊंगा। बट एक मैं शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो बॉस, आप जो 5 साल जो पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आप पढ़ते हो, और इंटर्नशिप होती है सिर्फ 6 महीने की। पहले 8 महीने की हुआ करती थी, अभी सिर्फ 6 महीने की होती है 4th ईयर में। और उस इंटर्नशिप में भी आप बहुत ज़्यादा मतलब अर्न नहीं करते हो, क्योंकि कुछ फर्म तो आपको पे करेगी ही नहीं, या फिर कुछ करेगी तो मैक्स 5 to 6 thousand, आई डोंट थिंक सो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, होगा तो 8, उससे ज़्यादा नहीं, 8,000 भी नहीं आई गेस, इसको स्टैंडर्ड मान लेके चलो। तो मैक्स जो होगी वो 5 to 6 thousand होगी बस, उससे ज़्यादा नहीं पे करेंगे 4th ईयर में जब आप इंटर्नशिप पे जाओगे। तो अब आप बोलोगे कि मैंने 5 साल पढ़ लिया, 5 साल के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लाखों की जॉब लग जाएंगी। डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। देखो वैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स आती है IITs NITs में, तो हर सब मोस्ट ऑफ द लोगों को लगती है, बट एक ऐसे जो कॉलेज जो झंडू कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के, वहाँ पे जब प्लेसमेंट आती है तो कितने लोगों को प्लेसमेंट लगती है और कितने लोग तक तो जाते हैं, ऊपर से तो आर्किटेक्चर है। तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि आर्किटेक्चर में प्लेसमेंट्स होती नहीं है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में भी होती है, तो हर सबको तो नहीं मिलने वाली है ना। तो डिपेंड्स, और प्लेसमेंट्स भी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा, ऐसे कि 2-3 लाख बस एनुअल, एनुअल बात कर रहा हूँ। तो ये सीन है आर्किटेक्चर का, क्योंकि 5 साल तो आप पढ़ते हो बस, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हो एकेडमिक्स में, अब उसको प्रैक्टिकली आप जब काम करोगे, सीखोगे, तब आप जाओगे। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने को, अपने आप पे बाउंड्रीज मत लगा के रखो कि मैं 5 साल के बाद ही प्रैक्टिस करूँगा। नहीं, अगर आपको आपके बहुत आपके अंदर गट्स है, कीड़ा है आपके अंदर मेरे जैसा कि नहीं यार कुछ तो भी करना है, रिवोल्यूशनरी करना है, तो आपके दिमाग में कोई भी स्टार्टअप का आइडिया हो सकता है। इन आर्किटेक्ट एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो सकता है आप स्टेशनरी का कुछ कर लो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको मोनिटाइज कर लो, या फिर आपके अंदर जो भी पैशन है, स्केचिंग का पैशन है, उसको मोनिटाइज कर लो, बट कुछ तो भी करो, क्योंकि टाइम धीरे धीरे जा रहा है और बाकी जो फील्ड्स है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है स्टार्टअप कल्चर को लेके। तो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, एज एन एंटरप्रेन्योर, दिस वीडियो इज ओनली टू एम्पावर यू, टू गिव पावर टू यू, क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, और एज एन बिग ब्रो मेरी से जिम्मेदारी बनती है कि आई शुड हैव टू गिव एडवाइस, जो मैं कर रहा हूँ आज के टाइम पे वो चीज़ मैं इस इंटरनेट के थ्रू आपसे शेयर करूँ, और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ों से इंस्पायर होके। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लेवल पर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, और हाँ मुझे पता है कि मैं इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला हूँ। सो आई होप सो कि ये कॉन्टेंट आपको बहुत हेल्प करने वाला है और हेल्प करेगा। सो अगर आपको इस कंटेंट से कोई भी वैल्यू मिलती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि यार कमेंट करते नहीं हो, मोस्ट ऑफ द लोग इस कंटेंट को देखते हैं, मज़े ले लेते हैं,
और इन्फॉर्मेशन लेके निकल जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ देखो यही चीज़ होती है कि एज एन कॉन्टेंट क्रिएटर हमारा मोटिवेशन का, एज एन ऑन्टरप्रीन्योर मुझे मेरी टीम से मोटिवेशन आता है, मुझे रिजल्ट से मोटिवेशन आता है, बट मैं एक ऑन्टरप्रीन्योर भी हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट भी हूँ। तो ये कंटेंट क्रिएटर वाली लाइफ जो है, यहाँ पे मोटिवेशन आता है सब्सक्राइब से, जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो अगर सच में आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताओ कि आपको इस कॉन्टेंट से वैल्यू क्या मिली और आप किस आइडिया पर काम करने वाले हो। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी डिफिकल्ट जाती है स्टार्टअप स्टार्ट करने में, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके आइडियाज़ को ग्रो करने में आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि मोस्टली लोगों को मतलब हेल्प नहीं मिलती कि कैसे स्टार्टअप को ग्रो करते हैं, एडवाइस नहीं मिलती है। तो आई विल हेल्प यू टू ग्रो योर स्टार्टअप, टू ग्रो योर बिजनेस। सो मेरे इंस्टाग्राम आईडी वीर कोसर ऑफिशियल, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज करना, आई हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो है उनकी इंटर्नशिप के बारे में, और एक आर्किटेक्ट कितना अर्न करता है, कैसे क्या सैलरी होती है, वो सारी चीज़ों में। आई होप ये आपको पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज वीर कोसर एंड टीम साइनिंग ऑफ।